हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज दम बिरयानी। और इसे बनाने के लिए यहाँ हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं। हमने लिया है तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, स्टारफुल, बड़ी इलायची, दालचीनी, और लिए हैं काली मिर्च, और लिए हैं कुछ पाउडर मसाले, जिसमें लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, नमक, और लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी पूरी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ लिए है मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है, और इसे काटते वक्त में बिल्कुल पतले साइज में काटना है। और लिया है 2 टमाटर, तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। और लिया है धनिया, तो यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना इस्तेमाल किया है। और लिया है कुछ वेजिटेबल्स, तो यहाँ मैंने लिया है मटर, फूलगोभी, और लिए हैं गाजर, तो मैंने यहाँ पे आधा गाजर लिया है, और बिल्कुल थोड़ी सी 1 कटोरी के करीब ली है फूलगोभी, और 1 ही कटोरी ली है मटर, और लिया है 250 ग्राम पनीर। और यहाँ मैंने आधा केजी चावल लिए हैं, तो यहाँ मैंने बासमती चावल यूज़ किया हुआ है, और उसे हमने पानी में डाल दिया है, और पानी में इसे लगभग आधा घंटा भिगोने के लिए रख देंगे। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने लिया है पैन, और उस पैन में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो पहले हमने इसमें गर्म होने दिया है, और अब इसमें डाल देंगे हम तेल। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी, तो लगभग यहाँ 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, और इसे मेल्ट होने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाले। तो हम ये सारे गर्म मसाले इसमें डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे। घी डालने से हमारी जो बिरयानी है ये काफ़ी सॉफ्ट और बहुत स्मूथ सी बनती है, इसलिए घी और तेल दोनों मिक्स करके हमने डाला है। तो ये अच्छे से तड़कने लग गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हमने स्लाइस की हुई प्याज। और यहाँ पे प्याज को एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे आप देखेंगे प्याज को मैंने इसमें हल्का सा ब्राउन नहीं, थोड़ा डार्क ब्राउन किया है। तो उसे ब्राउन करने के लिए हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आधे चम्मच से कम नमक डाला है इसमें, और इस वक्त हमने गैस को फुल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे हमारी जो प्याज है ये ब्राउन सी हो रही हैं, और हमें इससे भी थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन करना है, लगभग पूरी प्याज हमारी ब्राउन हो जाना चाहिए, इसलिए लगातार इसे चलाते हुए रहे, अगर चलाएंगे नहीं तो प्याज कुछ जल जाएगी। तो धीरे धीरे ये प्याज पूरी गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हमने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जिस वक्त डालते हैं तो फ्लेम को हम बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि प्याज हमारी पहले ही गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो जल जाएगी अगर फुल फ्लेम पे रहेगी। तो हमने फ्लेम को कम कर दिया है, और अब इसमें डाल देंगे हम जितने भी मसाले लिए थे पाउडर मसाले, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पाउडर मसाले डालते वक्त में भी ध्यान रखना है, फ्लेम कम रही तभी डालना है। और इसमें डाल दिया है हमने टोमेटो, और टोमेटो को इसमें थोड़ा सॉफ्ट सा होने देंगे। तो टोमेटो सॉफ्ट से हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हम वेजी, एंड जितने भी हमने वेजिटेबल्स लिए हैं वो सब डाल दिए हैं इसमें। और वेजिटेबल्स में भी एक खास ध्यान रखना है, जिस वक्त आप काटते हैं इसे तो उसे बिल्कुल इक्वल सा काट लेना है, ताकि पकने में आसानी रहे।
तो वेजिटेबल मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया और पुदीना। मैंने पहले ही थोड़ा सा साइड में निकाल के रखा है। तो उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और इसे जब मिक्स करते हैं तब भी थोड़ा सावधानी से मिक्स कीजिए, क्योंकि इसे बहुत सॉफ्ट होता है तो ये टूट जाते हैं, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेना है। तो हमारे वेजिटेबल और पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और तब तक हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसमें लगभग 3 ग्लास पानी डाल दिया है मैंने। और इसमें डाल देंगे हम जो जितने भी हमने गरम मसाले लिए हैं वो सब डाल दिया है। इसमें मैंने शाही जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी ली है। इसमें शाही जीरा जो होता है ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है बिरयानी में। और इसमें डाल देंगे हम लगभग 1 चम्मच के करीब, मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल देना है नमक, क्योंकि हम जो इसका पानी है ये पानी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जो पानी रहेगा वो हम निकाल देंगे, तो चावल में जो नमक लगना चाहिए वो इतना जो नमक है इस क्वांटिटी में वो अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ वेजिटेबल्स जो है वो भी लगभग थोड़े से पक चुके हैं, तो हमें इसे आधे से ज़्यादा पकाना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने पानी लिया है और इसमें लगभग 1 कप पानी डालना है, यानी 200 ml पानी डालना है इसमें। ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स और पनीर है ये अच्छे से पक जाएगा। और इसे ढक देंगे। और कढ़ाई में हमारा जो पानी रखा हुआ था वो भी अच्छे से बॉईल हो रहा है अभी, तो इसमें हम डाल देंगे जो चावल भिगो के रखे थे वो। और चावल को बॉईल करते वक्त में हमें फ्लेम बिल्कुल फुल रखनी है। तो आप देख सकते हैं पानी चावल से काफ़ी ज़्यादा डाला है हमने, ताकि पानी के अंदर ही हाफ बॉईल हो जाए हमारे चावल। और ये जो चावल है हाफ बॉईल से मैं थोड़ा ज़्यादा इसे पका लूँगी, ताकि जब हम बिरयानी में इसे दम पे पकाएं तो ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल थोड़े पक चुके हैं, इसे और थोड़ा सा बिल्कुल पकाएंगे, तो लगभग 1 मिनट के करीब हम इसे और पका लेंगे। ये थोड़ा दब रहा है। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है और हम चावल थोड़ा दब रहा था, तो हम इसे इसी झाड़ी से अलग कर लेंगे। तो हम इसमें बॉइल्ड चावल जो है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से चावल को हमें फैला लेना है। और ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो हमने इसमें पूरे बॉइल्ड चावल फैला दिए हैं। अब इस पे डाल देंगे हम घी। तो यहाँ लगभग मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। और इस पे फैला देंगे हम धनिया और पुदीना। अगर आप इसके ऊपर तली हुई प्याज डालना चाहते हैं तो वो आप फैला सकते हैं, वो
मुझे पसंद नहीं है तली हुई प्याज ऊपर से, इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। जब गार्निश करेंगे उस वक्त डालेंगे हम। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर है रेड कलर का, तो वो इसके ऊपर डाल दिया है। आप कोई भी कलर का फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो या ऑरेंज वाला भी। और इसे हमने ढक दिया है और करीब हम 5 मिनट के लिए इसे दम पे पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दम पे ये पक चुकी हैं। अब इसे हम पहले ठंडा होने देंगे, और अक्सर बिरयानी को पहले ठंडा कर लेना है और उसके बाद हल्का सा गर्म करके सर्व करना है। तो बन के रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।